करेंगे क्लास ट्वेल्थ प्लानिंग चैप्टर की इम्पॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें क्या एक्शन करना है तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमें डायरेक्शन देता है। जो एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो एफर्ट जा रहे हैं उनको ये क्या देता है? डायरेक्शन देता है। प्लानिंग मेक क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू। प्लानिंग क्लियर कर देता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना है और कैसे करना है, हाउ टू डू एक्सेट्रा। बाय सेटिंग इन एडवांस, हम सेट स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, कि कैसे काम करना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, कि जो हमारे एक्शन होंगे उनसे रिलेटेड हमें प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस, एम्प्लॉय को पहले से पता होता है इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क, कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है। दिस लीड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हमें यूनिटी मिल जाती है कि एक हर एम्प्लॉय को एक ही रास्ते की तरफ चलना है। इफ़ देयर वर नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इज डिज़ायर्ड गोल, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो हमें दे रखा है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जो प्लानिंग है वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आती हैं एवरी डे। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर की टू फेस द अनसर्टेनिटी। क्यों प्लानिंग का मैनेजर क्या करेगा कि अनसर्टेनिटी को फेस कर सके? बिकॉज प्लानर ट्राई टू foresee the future, कि प्लानर जो है उसको फ्यूचर को देख के चलना है, कुछ assumptions बनानी है रिगार्डिंग फ्यूचर, कीपिंग इन माइंड, माइंड में रखी कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, और वो स्कैन करेगा अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को। जैसे कि मैं कहूँ, मुझे अब पता है दिवाली आने वाली है, जैसे अगर मैं सोच रही हूँ कोई भी मैं बिजनेस कर रही हूँ दिवाली से रिलेटेड एंड दिवाली के प्रोडक्ट से रिलेटेड, अब मैं सोच रही हूँ कि दिवाली आने वाली है तो मैं पास्ट एक्सपीरियंस सोचूंगी, पास्ट एक्सपीरियंस मेरा दिवाली के टाइम पे क्या रहा था, उस टाइम पे अब के टाइम को मैं स्कैन करूँगी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, कि मेरा जो सामान मैं बनाना चाह रही हूँ, जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाह रही हूँ वो सेल होगा या नहीं होगा, तो मैं स्कैन करूँगी बिजनेस एनवायरनमेंट को। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी, प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ ना आए। प्लान ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क, कि जो रिस्क है वो ना रहे, जैसे फायर होगी, सम अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई एनवायरनमेंट में, तो वो चीज़ें ना है, उन रिसोर्सेज को कैप्ट रखे हम प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है वो बनाए जाते हैं माइंड में रख के, अलग अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को देख के, जो भी जैसे दे रखा है द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, कि हमारी क्या डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। द डिपार्टमेंट प्लान्स आर डिराइव फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान, और जो हमारा डिपार्टमेंट का जो प्लान है वो कैसे बनेगा, कैसे डिराइव्ड होकर जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसकी वजह से क्या होता है कोऑर्डिनेशन बन जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। अगर मैं कहूँ ऑन द अदर एंड इफ अ मैनेजर एंड नॉन मैनेजर्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर मेन कोर्स ऑफ एक्शन है अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्योंकि वही सब काम करेंगे। ठीक है, तो प्लान हमेशा थ्योरिटी क्लैरिटी के साथ बनना चाहिए, थॉट्स एंड अपने थॉट्स एंड एक्शन को लेके चलना चाहिए ताकि हमारा जो काम है वो स्मूथली रन कर सके। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग रिक्वायर करता है हाई थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग हम प्लानिंग नहीं कर सकते। एंड इट इज़ एन इंटेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हमें बहुत सोचना पड़ता है। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, तो हमारा ये भी स्कोप बनता है कि हम इसमें बेटर आइडियाज़ ले सकते हैं। बेटर मेथड एंड प्रोसीजर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, कि कौन सी हमें पर्टिकुलर जॉब हमें परफॉर्म करनी है वो हम सोच सोच के चल सकते हैं। प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली, प्लानिंग प्रोसेस क्या मैनेजर्स को हेल्प करती है डिफरेंटली सोचने के लिए एंड एज्यूम करने के लिए फ्यूचर कंडीशन को। मेक्स अ मैनेजर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव, उसकी वजह से क्या होता है मैनेजर जो है वो इनिशिएटिव हो जाता है एंड क्रिएटिव हो जाता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प करती है किसी भी मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए कि उसको क्या एडवांस में करना है, क्या प्रिडिक्शन करनी है फ्यूचर से रिलेटेड, उस प्रिडिक्शन को लेकर वो फार डिसीजन ले सकता है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग क्या करता है स्टैंडर्ड बनाता है कंट्रोलिंग करने का,
कंट्रोलिंग मीन कंपैरिजन बिटवीन कि हमने क्या प्लान बनाया था और हमारा क्या एक्चुअल आउटपुट बन के आया है. एंड इफ देर इज़ वेरिएशन बिटवीन बोथ देन, अगर इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है देन फाइंड आउट द रीज़न ऑफ सच डेविएशन, कि क्या रीज़न था कि दोनों में जो हमने एक्चुअल प्लान बनाया था उसमें और जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आया उसमें डिफरेंस है, तो हम उसमें क्या निकालेंगे, रीज़न निकालेंगे. एंड टेकिंग मेजर टू मैच द एक्चुअल आउटपुट, हम उस चीज़ का मेजर करेंगे विद द प्लान. But there is no in but in case there is no planned output, then controlling manager will have no base to compare. अगर उसका कोई प्लान ही नहीं है तो वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा जो हमारा कंट्रोलर है. ठीक है, इसी के साथ हमारी importance of planning complete होती है.